जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। लद्दाख की गलवान सीमा पर चीन भारतीय सैनिकों के बीच टकराव के बाद देश में चीनी सामानों के बहिष्कार का कैंपेन फिर जोर पकड़ रहा है। इतना ही नहीं, देश भर के खुदरा व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। कैट ने चीनी सामान के बहिष्कार के लिए भारतीय सामान हमारा अभिमान कैंपेन की शुरुआत की है। कैट ने चीन से आयात होने वाले करीब 3000 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई है और इनमें से 500 वस्तुओं की लिस्ट आज जारी कर दी गई है। कैट ने कहा, इन वस्तुओं के चीन से आयात नहीं होने से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह सारी चीजें भारत में पहले से ही बनाई जा रही है। कैट का लक्ष्य है कि दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा चीनी सामानों के आयात में लगभग $13 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ के उत्पाद कम किए जा सके। पर असली बात यह है कि क्या सिर्फ चीनी सामान के बहिष्कार से हम चीन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जिन देशों को भारत सामान निर्यात करता है उनमें चीन का नंबर तीसरा है, पर जिन देशों को चीन सामान निर्यात करता है उनमें भारत का नंबर सातवां है। वैसे तो WTO नियमों के कारण ना तो चीन और ना ही भारत एक दूसरे के सामान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण लगा सकते हैं, तो फिर भला किस तरह हम चीन को उसकी भाषा यानी कूटनीति से और उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर चोटिल कर सकते हैं, ये एक शोचनीय विषय है। वहीं चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने अपनी कंपनियों को काम करने के लिए भारत के बजाय किसी और विकल्प को ढूंढने के लिए कह दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी सामानों का बहिष्कार करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा। आज भले देश एक IT पावर है, पर यह सोचने की बात है कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो पूरी तरह से भारत में बना मोबाइल और लैपटॉप बनाती है। आज भारत पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ताओं का देश है, पर यह सोचने की बात है कि उन सभी उपभोक्ताओं में कितनों के पास पूर्ण रूप से भारतीय मोबाइल फोन है। भारत का R&D का खुद का बजट कितना है और क्यों इतने विकसित होने पर भी प्रधानमंत्री मोदी के लोकल के लिए वोकल के नारे के बाद भी हम स्वदेशी अपना नहीं पा रहे, इसके पीछे का एक बड़ा कारण हमें समझ आया है। दरअसल देशी सामान पर विश्वास की कमी और विदेशी सामान पर भरोसा इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। और सही मायनों में चीन को दबाव देना है तो इसके लिए पहली अनिवार्य शर्त यह है कि हम कृत संकल्पित हो कि हमें चीनी माल से छुटकारा पाना ही है और इस पर दृढ़ रहे। ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह जटिल है और बेहद उलझे हुए मसले हैं जिनमें हम 99 पर जाकर पुनः एक पर लौट सकते हैं। हमें अपने देश में ऐसा सामान तैयार करना होगा जिस पर न केवल भारतीयों बल्कि संपूर्ण विश्व को विश्वास हो, बिल्कुल वैसा विश्वास जैसा विश्वास जर्मनी स्विट्जरलैंड ने अपने सामान पर पूरे दुनिया को दिलाया, ताकि वैश्विक बाजार में भारत का निर्यात बढ़ सके। इसके साथ ही यदि वर्तमान सरकार देशवासियों की भावना को सम्मान देते हुए चीनी सामान का बहिष्कार व विदेशी सामान को बढ़ावा देना चाहती है तो उसे मानव श्रम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होगा, साथ ही कुटीर लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन भी देना होगा। हमें समझना होगा कि कोई भी देश स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है, लेकिन वह विदेशी सामानों से पूरी तरह नहीं बच सकता। हमें इस दिशा में बहुत काम करना होगा। हमें एक तरफ आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा तो दूसरी तरफ वैश्वीकरण के दौर में विश्व के देशों से आत्मीय रिश्ते भी बनाए रखने होंगे, तभी हम भारत को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।